儿把你那一打坏。马康星，他们还骂人家，怎么还杀你？你哈，这会儿把你那一打坏。वक्त का इंतजार कीजिए, बात के बाद सारी बताऊंगा। अगला सीन इस ब्रेक के बाद। ये रहा जालिम सिंह का ऐलान। अरे दर्शन, ओ दर्शन, बाबू साहब पहले चश्मा उतारो। एक बात उनसे पूछना चाहता हूं। बोलिए बाबू साहब। कहीं मखना तुम्हें मिला है? क्या बात पान किया है? गोपाल सेठ की बेटी जो रीनू है, जी हाँ, उससे जबरन में पकड़कर अपनी हवेली पे ला रहा था। फिर क्या हुआ उसके बाद? मखना साला मालूम नहीं कहाँ खेत पर काम कर रहा था, फौड़ा लेके आया साला और फौड़े की धमकी दिया कि ठाकुर इस लड़की का हाथ छोड़ दो वरना तुम्हारी जान ले लूंगा। माखन ने आपको धमकी दिया? मेरा अपमान किया। मैं चुपचाप वापस आया क्योंकि मैं निहत्था था। अगर मेरी रिवॉल्वर होती साले को दुनिया से दूर कर देता। अगर कहीं पता चले माखन का तो मुझे फौरन सूचित कीजिए। बाबू साहब खटक रहा है, उसकी मौत ठाकुर जालिम सिंह साले की ये मजाल। बाबू साहब दर्शन सिंह के होते हुए आप उलझन में रहे, ये तो नामुमकिन है। आज मैं जब भट्टी से वापस आ रहा था तो फिर क्या हुआ? माखन और माखन का बाप कैलाश किसान आपस में बातें कर रहे थे। क्या? माखन कह रहा था, पिताजी अब आप बूढ़े हो चुके हैं, आज से आप घर पे रहिए और सेठ गोपाल के खेती खलिहान की रखवाली करने मैं स्वयं जाऊंगा। कौन कहा? माखन? जी हाँ। उसके बाद क्या हुआ? और आज की रात माखन सेठ गोपाल के खलिहान में जाएगा। बाबू साहब गुड आइडिया, चलो। जय शंकर बाबू साहब। जय शंकर। माखन सिंह तो गोपाल सेठ का खलिहान रखाने जाएगा और वहीं पर ठाकुर जालिम सिंह अपना काम बनाएगा। अगर तुम्हें दुनिया से दूर न किया तो मेरी माँ का दूध हराम है। साला मुझसे दुश्मनी किया है, इसकी औकात कैलाशवा का बेटा साला, एक भिखारी एक कंगाल कदर की ठोकर खाने मारा, एक जमींदार से दुश्मनी करके सुकून की जिंदगी नहीं जिएगा। श्री राम। अरे आओ यार। बिस्तर लगाओ। लाएगी। क्या लाए हो? दाढ़ी लाई, कम्बल। टाइम कितना हो गया है? हमारे घर में मजबूर न होने बारह पौने बारह। हाँ पौने बारह। बिस्तर लगा दो, रेनू आई होगी, यही कहीं छुपी होगी जरूर। यही लुकान हो। जल्दी बिछावा, जल्दी बिछावा। कम्बल है? दिखाई देता इस चौराहे के। अच्छा क्या बोले? हम तो हुआ बोल रहे हुए। वो क्या करनी है? हम रहेगी, वो अपने घर जाएगी। अच्छा बस दो चार मिनट बोले, दो चार मिनट बोल बतला के कदर तक भाग जा। आज वादा की है? देखा पहला वादा आता ही आई होगी। नहीं आई हुई लुकान। दोनों आदमी को देख नहीं हो सकता है, यहाँ पर ना आदमी हो। हाँ बुलाऊ? बुलावा, ये छुपी है कहीं ना। रेनू अरे बोलतीबा बोलतीबा। बुलाओ बुलाओ मैं फिर बुलाओ। आज मार रही है ना? रेनू खलिहान में कहीं छुप गई है। लागत आज जो खाम हो पकड़ा वजिए मोटाएगी यार। ऐसा है कि ये मुझे खिझा रही, मैं समझ रहा हूँ। चिहावत भी आप। अगर रेनू निकल आओ जहाँ कहीं हो, अगर आप बुलाऊंगा नहीं आओगी ना तो तुम्हारा वही जो टू टू कर रही, वह टू टू वाला मुंह तोड़ा तुम्हारा। हम कौन मुंह तोड़ पे जो टू टू करती है? अरे माई रेनू अरे टू टू कर रहा मैं समझू, रेनू कहीं छुपी है। ये पगला गया तो का माह मेरा मनसेलू का आवाज समझ में आया भैया। एक सौ साल अंधा होता है यार। इतना टाइम हो गया नहीं है, हो सकता है उसका पिता ना ने दे यार। हाँ यार हो सका तो बाप लंगड़ा सार बहुत ही दुखी है और सकरी चढ़ा दिया होगा। मान लो रेनू अंदर हुए अब बहरे सेठ अगर सकरी चढ़ाई दे हुई तो कैसे अगुए करे बेचारी। यार सब इतना ये मेहनत बेकार गई है। हाँ यार रात भी रात अगुबो भाई पहले दिन। ये सब एक बात है यार। हाँ? मैं समझ गया
अगर उसकी मजबूरी है नहीं आने पाई। हाँ भैया, तो एक बात है। हाँ श्री राम, छोड़ो यार, नहीं आएगी, तुम तो हो अब। हाँ। दोनों आदमी हम रहेंगे, बोले बतलाएंगे, रात बीत जाएगी, चले चलेंगे। बोलबा बतला दे। हाँ। अरे माई हो, हमार जू घबराई रहा साला यार। क्या? अरे कुछ नहीं यार। देखो यार, रेनू की याद में मैंने आज दुनिया में सब कुछ भूल गया। हाँ? इसके अंधा होता है, इसके में कुछ सुझाई नहीं देता। बात सही है भैया। देखिए, प्रतिदिन मैं पिताजी की सेवा करके तब मैं लेटता था। हाँ? और आज रेनू की याद में मैंने ना पिता की सेवा किया है। हर पुत्र का फर्ज है, अगर प्रभु ने माँ बाप दिए हैं। हाँ? तो जिंदगी में लाख देवी देवता का दर्शन करो, अगर माता पिता की सेवा नहीं किया तो जीवन में कभी उद्धार हो नहीं पाएगा। ना? हर बच्चे का स्वर्ग माता पिता के चरणों में है। और प्रतिदिन मैं पिताजी की सेवा करके तब मैं लेटता था। अच्छा? और आज रेणु की याद में मैंने ना पिता की सेवा किया, ना एक घड़ा पानी भरा अपने बापू को। देखो मेरे पिताजी बूढ़े हैं, रात में पानी कोई जरूरत पड़ी अगर उठे और गिर पड़े, चोट आ गई तो बड़ी परेशानी बढ़ेगी, इसलिए मैं जा रहा हूँ। अब देखो, पिताजी की सेवा करके और एक घड़ा पानी भर के तब आऊंगा, और तब तक तुम यहीं पर बैठे रहना। अकेले इस खलिहान में रहोगे, जब रेनू आ जाए तो उसे कह देना माखन आ रहे हैं। कितनी देर में उगे? बस जाए जा रहा है, 10-15 मिनट में वापस आ जाएंगे। जल्दी आया। देखिए, मैंने पिता की सेवा नहीं किया, इनकी याद में चला है, लेकिन पिता की सेवा करके तब मैं आऊंगा। बहुत अच्छा भैया, जा जल्दी आया। अच्छा, हमका चूतिया बनाए खसक गया यार, मान लिया का तो हम अगर सोवे लागे थे यार, तो हमका चुड़ैल घेर लेते। नाई हमका चुड़ैल घेरी नाई, मान ला अगर हम ऐसे हमका रेनू आइन जाए तो हम कहीं का आ सकी थी यार। इस तो हम पुनवासी ही भगत भूखा रही थी, मान ला रेनू न आए, हम अगर सोई गए, आजकल लीलगा सारे उधी आना है, एक ही साला साड़ा में कई दिन निकल रहा है। हाँ भैया, मान ला पहुँच गया वह, अरे कब भोड़ा देश हमारे, तब तो हम निपुरी जा भाई, क्यों देखा नहीं ना हम खसक ले। इसका मतलब बिस्तर यहां लगा हुआ है, ये लोग बिस्तर लगा के गए कहां? रात का समय है, अब क्या करूं, मुझे डर भी लग रहा है, कहां फंस गई आके। ऐसा काम करती हूं कि बिस्तर में छुप के सो जाती हूं, सो जाऊंगी तो फिर नहीं डरूंगी। ये रहा गोपाल सेठ का खलिहान, ये साला सो रहा है, ठाकुर से दुश्मनी करके जरा भी खौफ नहीं खाया। माखन सिंह, आज तुम्हें सारे दुनिया से दूर कर दूंगा, उस दिन का बदला आ चुकाऊंगा। माखन सिंह हरामजादे दुनिया से दूर करता हूं। अनर्थ हो गया, ये तो गोपाल सिंह की बेटी है, अब क्या होगा, अब मैं अपनी बचने की रास्ता सोचूं। ठीक है, एक तीर से दो शिकार। क्या हुआ रेनू, क्या हुआ?
मारा बोला सपने बिखर सब गए गुरु हजारा सपने बिखर सब गए गुरु हजारा मुझे गोली से जालिम सिंह ने है मारा जालिम सिंह किस्मत में लिखा वही तो हुआ है किस्मत में लिखा वही तो हुआ है बचना अब मुश्किल बहुत कम अरे नू तुमने मुझसे इकरार किया था कि मैं जीवन भर तुम्हारा साथ निभाऊंगी मैं तुझे अपना जीवन साथी बना रही तुमने अधूरे में मेरा साथ छोड़ कर जा रही रेनु तेरे बिना ये माखन कैसे दुनिया में जिंदा रहेगा बोलो रेनु माखन यही तो मुझे भी चिंता है कि मैं वादा करके निभा ना सकी मगर तुम चिंता मत करो तेरे प्यार के बंधन में मैं बंध चुकी कर्म कंगन कभी टूट सकता नहीं इस जन्म ना सही उस जन्म में सही नाता पति पत्नी का टूट सकता नहीं यहाँ से भाग जाओ मैं नहीं जाऊंगा ऐसा ना हो वो जालिम कहीं से तुम्हें देख ले और तुम्हें भी गोली मार देगा तुम यहाँ से भाग जाओ तुम्हारा साथ मरी मौत हो जाओ ठीक कर लूं लेकिन मैं तुझे छोड़ कर नहीं जाऊंगा वरना हम जैसे लड़कों का प्यार करने वाली तुम जैसे लड़कियां कोई विश्वास नहीं करेंगे धोखेबाज होते हैं लड़के देखो मेरे पास समय नहीं है तुम जाओ यहाँ से और सुनो हो सके तो मुझे माफ कर दे भगवान तुमने क्या किया रेनू के साथ प्यार करने के बाद मेरा रिश्ता यहीं से तोड़ दिया तुमने रेनू मैंने क्या सोचा था क्या हो गया भगवान ने तुमने मेरा साथ रेनू से क्यों छुड़ाया प्रभु कि तो हमने सोन का जोड़ा गोली मार देगा भाग जा रे तो हाई सरकार की नंबर दो अरे माई हो अबे साले शोर नहीं मचाने का अरे माई हो इस लड़की को गोली कौन मारा जालिम सिंह ने अरे माई अबे साले जालिम सिंह का नाम तेरे लप पर कैसे आया मारते वक्त रेनू ने बताई है कि मुझे गोली जालिम सिंह ने मारा है आराम जादे ये तो दुनिया छोड़कर चली गई वो क्या कहेगी साले तुम कह रहे हो जालिम सिंह का नाम तुम्हारे लपर नहीं आएगा जो मैं कहूंगा वही तुम्हें कहना होगा अच्छा ये कहो कि गोली माखन सिंह ने मारा है कहोगे ना क्या कहोगे जामा क्या है यह कि जालिम सिंह कहा कि माखन सिंह पहले अपनी मौत जिंदगी का फैसला कर लो नहीं हमका जिंदगी चाहिए जिंदगी चाहिए हाँ। तो मेरे साथ तुम्हें थाने चलना होगा अरे बापा रे क्या दरोगा जी के सामने तुम्हें बयान देना होगा कि दरोगा साहब मैं कसम खा के कह रहा हूँ कि मेरे सामने माखन सिंह रेनू को गोली मारा अरे बापा रे कहेगा ना हाँ, कह भाई क्या कहेगा वही क्या जौन पहले कहे अरे साले माखन हाँ माखन सिंह ने मारा है माखन सिंह सुन लो अगर मेरे खिलाफ थाने मसाले गवाही दिया जी
जालिम सिंह का नाम तुम्हारे लप पर आया जी। थाने के बाहर निकलते साले तुम्हें गोली से मारूंगा। अरे माई हो, तुम्हें ना तुम्हारे खानदान को। पहले ला छुपाओ, छुपा ला। अरे माई हो, पकड़ भैया। राम चादी पकड़ से छिदाई लाई चल, छिदाई लाई चल, सिलाई बाद में होए। संजय, अरे संजय, मजदूर कले सौ ड्राम दारू आवत है, ओका रखे क्या घरवा में है। जल्दी आओ। सैदी, क्या अनर्थ हो गया? क्या अनर्थ हो गया? और सैद हमारी बात को सुनो कलेजा। सैद हमारी बात को सुनो कलेजा थाम, और माखन रेणु को सुनो पहुंचाया सैद। सिंह आपकी बेटी रीनू को गोली मार दिया, उसे सुरधाम भेज दिया। शेर जी मेरे सामने की बात है, मैं कुछ दूर था वरना साले को ही गोली मार देता। भगवान मैं क्या सुन रहा हूँ? और आपकी बातों पे मुझको होता ना विश्वास। यानी मैं झूठ बोल रहा हूँ? मेरे कहने का मतलब क्यों मार दिया, क्या मामला है साहब, साहब बताइए ना। मारते वक्त आंखों से देखा हूँ मैं, वक्त ज्यादा नहीं, मैं बहुत दूर था। भागने में सफल पाजी वो हो गया, गोलियां भी चलाने में मजबूर था। मेरे सामने मारा। सिपाही विश्वकर्मा जी एंड वर्मा जी, जी सर। अपने बड़े अधिकारी जो राजकरण जी का खून हुआ है, जी सर। उनकी जगह पे जो बड़े साहब आए हुए हैं, उनका नाम है मिस्टर सूरज। मिस्टर सूरज, बड़ा अच्छा नाम है साहब। ड्यूटी ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत शीघ्र यहाँ आने वाले। यहाँ भी आने वाले? जी हाँ। अच्छा साहब, छोड़ो साहब। जी सर। हल्के समाचार ठीक तो रहे? हल्के का समाचार बिल्कुल ठीक है साहब, हल्के में कोई गड़बड़ी नहीं है। फिर मेरे रहते हुए गड़बड़ी हो भी कैसे सकती है सर? आप अच्छी तरह जानते हैं मेरा नाम दरोगा राबूर है। मैं बहुत कड़क दरोगा हूँ सर, बहुत कड़ा शासन रखता हूँ साहब। जमींदार, कैसी आवाज आ रही? देखो
हल्ला मचा रहा साहब। तो बस साहब राव से। नमस्ते नमस्ते क्यों जी, कौन हो, कैसे आए, क्या काम है, बोलो जल्दी, खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो, मेरी बातों का जवाब दो, क्योंकि मेरे पास समय नहीं है कि इतनी देर तक हम तुमसे बात करते रहे। अरे मौका तो दिया जा साहब, आप तो स्टेशन पकड़ लिए। अरे पूछ तो रहा हूँ कि कौन हो, कैसे आए, क्या काम है, बोलो जल्दी बोलो, बोलती क्यों नहीं, खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो, मेरा ही नाम दरोगा रावोर है, बोलो। हाँ ये रही मार्के की बात कि मैं कौन हूँ। जिला उज्जैन का निवासी हूँ। हाँ मेरा सो नाम ठाकुर जालिम सिंह। जी हाँ मेरे इलाके में घटना हो गई साहब। घटना? जी हाँ। कैसी घटना? शेर जी आइए और दरोगा जी के सामने अपना चौकीदार। यस सर। इडियट नालायक गधे कहीं के, तू जब देखो यही कहता रहता कि मैं हल्के में रहता हूँ, हल्के में घटना हो गई, तुम्हें कुछ मालूम है? नो सर। हराम जादे पता करो। देखो गजब हो जाता है। कौन हो, कौन हो भाई? अरे सर चौकीदार हमार बिटिया। क्या बकते हो? चौकीदार हमार बिटिया, मैं तुम्हारी बिटिया हूँ। अरे चौकीदार गजब हो जा। क्या हुआ सेठ जी? हमार लड़की चौकीदार। क्या बकते हो साहेब? क्या है? कैसे आदमी आ गया, हमार लड़की चौकीदार? क्या है पागल हो गया है, चौकीदार तुम्हें लड़की या लड़का दिखाई पड़ रहा है? मैं तुम्हारी खटिया खड़ी कर दूंगा। क्यों चौकीदार को तुम बिटिया बना रहा है? अरे वापस दुख सुख सुना क्या नाम है? हमारा नाम गोपाल सेठ आता है। तुम्हारा नाम गोपाल सेठ? तुम्हारे पिताजी का नाम? भोपाल सेठ। ओ माई गॉड, बाप और बेटे दोनों ही की छत में पैदा हुए, बेटे का नाम गोपाल सेठ और बाप का नाम भोपाल सेठ। तो कहिए गोपाल सेठ, मैं आपको क्या परेशानी है, चिंता नहीं करो, आप थाने में आ गए हो, अब तुम साफ साफ बताओ क्या बात है? गजब हो गया। क्या गजब हो गया सेठ जी? हमारी बिटिया का गोली मार दें दरोगा साहब। दरोगा साहब तुम्हारी बिटिया को गोली मार दिए? तुम बिल्कुल झूठ बोल रहे हो, सरासर तुम झूठ बोल रहे हो, तुम मुझे फंसाने के लिए आए। सही कहा दही साहब, हमारी बिटिया का गोली मार दें दरोगा साहब। फिर वही बात। अरे मैंने कहा तुम्हारी बिटिया को गोली मारा है, मैंने तो अभी तक किसी पर गोली नहीं चलाया। साहब आप समझने की कोशिश कीजिए, जो गोपाल सेठ कह रहे हैं बिल्कुल यथार्थ। आप भी गवाही देने के लिए आ गए? इसमें गवाही का सवाल ही नहीं है। ये कह रहा है कि दरोगा साहब मेरी बिटिया को गोली मार दिया। ठीक कह रहा है। ठीक कह रहा है। गोपाल जी का कहना यह है कि दरोगा साहब मेरी बेटी को किसी ने गोली मार दिया। किसी ने तो लगाता ही नहीं है। आपको मालूम होना चाहिए कि गोपाल सिंह की बेटी का मर्डर हो गया है। हाँ। इनका दिमाग ठीक नहीं है, बराबर जवान साफ निकल नहीं रही, और कहने का मतलब है कि साहब मेरी बेटी को किसी ने गोली मारा है। ओ यस यस, मैं समझ गया। शेर जी तुम्हारी बातों को मैं अभी समझा। क्या हुआ, तुम्हारी लड़की को किसी ने गोली मार दिया? साहब सर ये है गोपाल सिंह, इनकी लड़की का मर्डर हो गया सर, इनकी लड़की को किसी ने गोली मार दिया। नमस्ते नमस्ते, तुम्हारी लड़की को किसी ने गोली मार दिया? जी सर। तो सेठ जी चलो दिल में तुम अपने करो, रोने से अब न आएगी वापस उतार, मौत की सजा उसको मैं दिलवाऊंगा, जिसने गोली से मारा मुझे वो बता। श्रीमान जी बयान देने के पहले मैं आपका परिचय चाहता हूँ। जिला उज्जैन का निवासी हूँ और मेरा सुमनाम ठाकुर जालिम सिंह। अच्छा अच्छा, बोलिए क्या कहना चाहते हैं आप? सुनिए साहब, मारा किसने? मारते वक्त गोली से देखा हूँ मैं। अच्छा अच्छा। नाम माखन बड़ा बाजी मरहूर है, जब मैं दौड़ा तो पाजी भगा जाने, मैं सुनाया सभी सच्चा मजबूर है। दूर निकल गया, वरना हराम जादे को वही गोली मार देता, चाहे मुझे सजा हो जाती। सर माखन इतना खूंखार हो गया है, यानी कि जिस समय कातिल ने कातिलाना हमला किया जी, उस समय आप घटना स्थल पर मौजूद थे? हाँ साहब। तो क्या आप अदालत में गवाही देंगे? हाँ साहब, मैं कोर्ट में गवाही दूंगा कि माखन सिंह मेरे सामने गोली से मारा।
अच्छा अच्छा माखन सिंह रीनू को गोली मारा है। अच्छा अच्छा और जितनी बातें यथार्थ मैं कह रहा हूँ, अगर मैं दूर न होता तो उस कमीने को वही गोली मार देता, चाहे मुझे सजा हो जाती। विश्वकर्मा जी, जी साहब, इनका FIR दर्ज कर लिया जाए। ठीक है साहब। आइए सेठ जी, बयान दीजिए। तो सेठ जी। हाँ साहब। आप अपना सुन नाम बताएं। मेरा नाम साहब गोपाल सेठ है। गोपाल सेठ। आपके पिताजी का नाम? भोपाल सेठ। भोपाल सेठ। मौजा? साहब उज्जैन के रहने वाला हूँ। उज्जैन के। हाँ साहब। अच्छा, ये बताइए कि तुम्हारी बेटी का मर्डर कितने समय हुआ था? साहब रात में हुआ था साहब। रात में? हाँ साहब। नहीं सही सही बताइए। सही बता रहा हूँ साहब। रात में? हाँ साहब। लगभग कितने समय हुआ? अब साहब घड़ी तो पहरे नहीं रहे हम साहब। ठीक है, तकरीबन 11-12 बजे वहाँ हो जाए। ठीक है। तो क्या आप तरफ से कोई गवाही मिल सकती है? हाँ साहब। बुलाइए। दीवान साहब, गवाही मैं दूंगा। तो आपका शुभ नाम? मेरा नाम जालिम सिंह। जालिम सिंह। आपके पिताजी का नाम? विजय सिंह। विजय सिंह। आप भी उसी मौजे के हैं? हाँ, उज्जैन के निवासी हूँ। तो जिस वक्त एक घटना घटी आप मौके थे? हाँ, मैं कुछ दूर था। लगभग कितनी दूरी? लगभग 100 गज दूरी। 100 गज दूरी। तो जिस वक्त मर्डर किया? जी। तो उस वक्त उसको आप मना नहीं कर सके? आवाज लगाया। हाँ, आवाज सुनकर वो हरामजादा फरार हो गया। फरार हो गया, वरना वही गोली मार देता, चाहे मुझे जेल हो जाती। ठीक है, तो क्या आप अदालत बयान दे सकते हैं? हाँ, गवाही दूंगा। ठीक है, एलिजा साइन कीजिए। साहब लाश पड़ी हुई है और शेर मेरे साथ चल रहे हैं। आप चिंता नहीं कीजिए, हम पूरी पुलिस फोर्स लेकर वहां पहुंचेंगे और मौके का जायजा लेंगे, छानबीन करेंगे। मौके पर जो ये पता चल गया कि फला इंसान ने रेणु का खून किया है, तो मैं उसकी जिंदगी जेल में सड़ा डालूंगा, हराम जानों को। ये नोट कर लेना। ठीक है साहब, आइए सर। चलिए, नमस्ते। नमस्ते। देखिए साहब, छोड़ बात। जी सर, हम बाप फोर्स घटना स्थल पर पहुंच रहे हैं। जी सर। पहुंचने पर मौके तफ्तीश करेंगे। यस सर। तफ्तीश के दौरान वहां स्थानीय गवाह जो होंगे, जमींदार के अलावा किसी ने और भी देखा होगा। जी सर। तो हम उनका भी बयान लेंगे। चौकीदार। यस सर। इधर आओ। चौकी। अबे ये जमींदार का करेक्टर कैसे है बे? आदमी साला बहुत फौरे भी है साहब। आदमी ठीक नहीं मालूम। ठीक आदमी है, बहुत फौरे भी है। उसकी खटिया खड़ी कर दूंगा हरामजादे की। चौकीदार, चिंता नहीं करूँ। साहब क्या पूछ रहे हैं? जो पूछ रहे साहब, मैंने उसका जवाब दिया, बहुत फौरे भी आदमी है। अच्छा अच्छा, ठीक है, चलो हम मौके पर पहुँच कर उसका उसकी तस्दीक करेंगे साहब। चलिए सर, चलो। चलो चलिए साहब, चलिए चलिए सर। अरे मखना, इतना बड़ा गुंडा हो गए रे, हमारी बिटिया के ऊपर गोली चलाए थे। तोर बाप जिंदगी भी हमारे किया कमाइस और खाइस मजदूरी की, अतः इतना बड़ा गुंडा हो गया कि हमारी बिटिया के ऊपर गोली चलाए। घबरा जिन, हम तोरे घर में आई थे, अगर तू हमका मिल गया ना, हम तो का बोटी बोटी ना काट के बहा दी, तो हमारा गोपाल सेठ नाम नहीं। अब हमारे बिटवा माखन खड़ियाने से नहीं आवा, हम वही करा है देखा थे। राम 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 सेठ के बच्चे। हाँ, खड़ा हो रहा, इधर चल। हाँ हाँ सेठ। मखना कहाँ है रे? माखन माखन ससुरा के नाती नाव धरा है। अरे माखन कहाँ है तू जल्दी? कहा है रे मखना? कहा है? नहीं कैसे माखन आया यहाँ
लड़कवा सिखाए चुबा परी। सेठ जी वो कल से घरे नहीं आवा। अच्छा तो सीधा ना बताओ मेरे तैयार ना बताओ बे। सेठ हमका मालूम नहीं। अरे मालूम है जय ससुरा के नाती। और जब डलक खोलेगा ना तू अपनी जुबा तब डलक मैं तेरी खून मेरी खून मेरी लली का किया जिस तरह उस तरह से मैं तेरी सफाई। मेरी और यकीन कीजिए वो गया है कहां मैंने जाना नहीं बता दे रे ना बताओ बे हमका पता नहीं। हरे राम हो बोल ना बताओगे मालूम हो जाए अगर बताओ दे ना हमका मालूम नहीं। ये पूरा कलरिया तो है पटवा हम घुसेर देव रे हमका पता नहीं। हमका मालूम नहीं पता है नहीं जैसे हम बिटिया के वियोग में तड़पत ही ना वैसे तय तड़प तड़प के मर तेरी ऐसी की तैसी। किसने किया और कुछ समझ में मेरे बातें आती लगी। कुछ समझ में मेरे बातें आती लगी किसी अधम ने ये बाबू से बदला लिया। नहीं बताए बेटा मैं तुम्हारा सगा बाप नहीं हूँ मेरे लाल। ये क्या कह रहे हो बाबू ये क्या कह रहे हो। मैं सत्य कहता हूँ बेटा। नहीं बाबू तुम्हारे ये चाकू लगा है तुम्हारे होशो हवास ठीक नहीं है तुम मेरे पिता हो ऐसा मत कहो बेटा। आए बेटा मैं सेठ गोपाल के खेत में काम करने जा रहा था तो मैं तुम्हें खेत में पड़ा पाया था बेटा।
खेत में मुझे पड़ा पाए थे। हाँ बेटा, जब मैं तुझे अपनी गोद में उठाया उस समय तेरी उम्र 2 या 3 महीने की थी बेटा। क्या कहा बापू, मैं 2-3 महीने का बच्चा था जब मुझे तुमने खेत में पाए। हाँ बेटा, ये कितने दिन की बात है बाबू? आज 20-22 साल की बात है बेटा। 20-22 साल पहले मुझे खेत में पाए थे। हाँ बेटा, जब अपनी गोद में तुम्हें उठाया कि तेरे दाहिने पैर के तनुए में तिल का निशान था बेटा। यानी मेरे दाहिने पैर के तलुए में जो तिल का निशान बना है ये बचपन से था। हाँ बेटा, मुझे ये भी पता नहीं कि तेरी माँ कौन है और तेरा बाप कौन है बेटा। नहीं बाबू, ये तुम क्या कह रहे हो बाबू? बेटा, मैं तो तेरा पालने वाला बाप हूँ। मेरे माँ, मैं तुम्हारा सगा बाप नहीं हूँ बेटा। मेरे सगे पिता तुम नहीं हो? नहीं बेटा, तू यहाँ से भाग जा बेटा। मैं कहाँ जाऊँ बाबू, मैं तुमको छोड़कर? बेटा, जहाँ तुम्हें छुपने की जगह मिले तू कहीं जाके छुप जा बेटा, नहीं तो मेरे खून का इल्जाम ये तेरे मत्थे पर न लग जाए बेटा। क्या कहा बाबू, मैं कहाँ जाऊँ? तुम तो ये कह रहे हो मैं तुम्हारा सगा पिता नहीं हूँ। मेरे माँ बाप जो दुनिया में कोई नहीं, तो मैं कहाँ जाऊँ बाबू, मैं कहाँ जाऊँ? बेटा, तुम मेरे पिता हो, मैं तुमको छोड़कर कहीं ऐसे मुसीबत में नहीं जाऊँगा। बेटा, तुझे मेरी कसम है, तू यहाँ से भाग जा मेरे लाल। बाबू, या मेरे भगवान, मैं कहाँ जाऊँ? मुझको भी साथ में लेके चलो बापू, जब मेरी दुनिया में माँ बाप कोई नहीं तो मैं कहाँ जाऊँ, कौन मुझे सहारा देगा बाबू? अपने साथ मुझको भी लेके चलो बाबू, मुझको भी। चले तुम जहाँ से पीछे पुलिस पड़ी है भैया। हाँ भैया, हो सकता खुल के इंजाम आपके सर लग सकता है भैया। भैया भैया माखन, क्या खून किसने किया? साहब हमको नहीं पता था। क्या कर रहे साहब? हमको नहीं पता था साहब, हमको नहीं पता था साहब। बोल साहब, बोल किसने किया? बोल साहब, हमको अरेस्ट करो। छोड़ो साहब, इसका कोई शिनाख्त नहीं लग रहा है, लावारिस लाश लगता है। जी साहब, चेक करो, चेक करो, चेक करो। क्या चेक करो साहब?
छोड़ो साहब, कोई शिनाख्त मिल रही है इसकी? छोड़ो साहब, हम ऐसा करते हैं जी सर, इसका जो होलिया लिख लेते हैं, ठीक है, और इसे पेपर में दे देंगे। अच्छा ठीक है साहब, ठीक है। विश्वकर्मा जी लिखिए, इसकी लंबाई लिखिए 5 फीट 2 इंच, 5 फीट 2 इंच, रंग सांवला, रंग सांवला, और इसके गाल पर फोड़े का निशान है, गाल पर फोड़े का निशान, इसे पेपर वाले को दे दीजिए। अच्छा ठीक है जी साहब, जी साहब, पेपर में आ जाएगा और लास्ट में ठीक है, और इसको इसको आप रख लो, जमा कर दो, पेपर वाले को दे दूंगा, नहीं नाराज, पेपर वाले को दे दो, इसको सील करके रखो, तो कैसे छापेगा साहब, किसी से मैटर हुआ उल्लिख देगा कि धार 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 सामान से ठीक है साहब, जैसे कहा विश्वकर्मा जी, उठाओ लास्ट उठा ले जाओ, ले चलो पोस्ट मास्टर के, पोस्ट मैडम के लिए, नाराज मैडम के लिए जी था, ले चलो छोड़े साहब जी सर, हमारे हलके में मर्डर पे मर्डर हो रहा है, हाँ साहब, लेकिन हम हाथ पे हाथ रखे बैठे हुए कुछ कर नहीं पा रहे हैं जी सर, छोड़े साहब क्या करें, हम मजबूर हो गए हैं कि किसी कातिल के पीछे पड़ जाते हैं तो बड़े बड़े नेता लोग, ऊपर से अधिकारी लोग हमारा ट्रांसफर करवा देते हैं जी साहब, या कहीं और ड्यूटी लगवा देते हैं। देखिए, माखन सिंह की तलाश कर रहे थे कि माखन सिंह दूसरा मर्डर कर बैठा जी सर, और छोड़ साहब देखिए हमारी ड्यूटी जो शहर उज्जैन में मेला लगा हुआ है, हाँ साहब, पूरे स्टाफ की ड्यूटी मेले में लगा, क्या कहा, मेले में ड्यूटी लग गई, मेले में ड्यूटी लगे, अब बताइए माखन सिंह पकड़ा कैसे जाएगा सर, मेले में भी तो सर, मेले में भी तमाम तरह के हिस्ट्री सीटर लोग आते हैं जी साहब, हम मेले में कड़ी निगाह रखेंगे, तो उन्हें जरूर अरेस्ट कर लेंगे, छोड़े साहब ऐसे हम कैसे अरेस्ट कर पाएंगे, देखिए मेले में भी हम कुछ तजुर्बे के साथ चलेंगे, कैसे आप कैसे चलेंगे, देखिए हमारी कुछ पुलिस फोर्स सिविल ड्रेस में रहेगी और कुछ वर्दी में रहेंगे, ठीक है साहब, जो वर्दी में रहेंगे वो सरकारी गाड़ी पर रहेंगे और जो सिविल ड्रेस में रहेंगे प्राइवेट गाड़ी पर रहेंगे, जब हम मेले में पहुंच जाएंगे तो हमारी पुलिस फोर्स मेले में चारों तरफ टुकड़ियों में बढ़ जाएगी, और कड़ी निगाह रखेंगे, कड़ी निगाह रखेंगे कहीं कोई हादसा होने न पाए, ठीक है साहब, इसलिए हमारी जिम्मेदारी है, ठीक है, तो आइए हम मेले की तरफ चल रहे हैं, चलो जय की। देखो साथियों, अपना डाकू दल तो तैयार हो चुका है, हाँ। लेकिन हम लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं, हम में से सरदार कौन है, साथियों अभी अपने गृह में कोई सरदार है नहीं तो किसे समझोगे, लेकिन बगैर सरदार के हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं, बोलो क्या सोच रहे, लेकिन साथियों ऐसा लग रहा है कि गांव वालों को जानकारी हो गई है और हम लोग यहाँ रुकेंगे ना तो मामला बिगड़ जाएगा, हम लोग आगे बढ़ते हैं, उसके बाद सोचेंगे किसको सरदार बना, बहुत अच्छा आगे बढ़िए, बोलो माधवानी की जय, मेरे भगवान ना मैं मेरे मालिक, ना मैंने खून किया ना कत्ल किया, लेकिन खून का इल्जाम मेरे सर पे लगाया गया, मेरे पिताजी ने क्या कहा, बेटा अपना तुम जान लेके भाग जाओ, तुम अपना जान लेके भाग जाओ वरना ये खून का इल्जाम तुम्हारे सर पर लगेगा, और हकीकत में पुलिस मेरे पीछे पड़ी, मैं कहाँ जाऊँ भगवान, अब मैं ये नहीं समझ पाया कि मरते समय पिताजी ने क्या कहा कि बेटा तुम मेरे सगे बेटे नहीं हो, मैं आज के 20-22 साल पहले मैं तुझे खेत में पाया था, भगवान मेरे माँ बाप कौन है, मैंने कौन से किस जन्म में क्या मैंने गुनाह किया था जो माँ बाप ने मुझे फेंक दिए थे, मालिक जिंदगी में मैं मुसीबत उठाता रहूंगा, मैं कहाँ जाऊं, मैं इस बिहार में आया अब कहाँ रहूं मालिक, मैं कौन मुझे सहारा देगा प्रभु, कौन सा बाहर, पहले ये बता तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ के रहने वाले हो, यहाँ पर क्यों आए हो, मैं झूठ नहीं बोलूंगा बाबूजी, मैं कहाँ के रहने वाला हूँ, क्या मेरा नाम है, कैसे यहाँ पर इस चंबल इस बिहार इस जंगल में मैं कैसे आया, हाँ तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ के रहने वाले हो, साहब मैं उज्जैन नगर के रहने वाला हूँ, साहब उज्जैन नगर के रहने वाले हो, तुम्हारा नाम क्या है, नाम मेरा माखन सिंह है, माखन साहब भाई मैं मुसीबत का सताया हुआ हूँ, भाग कर आया साहब, मुसीबत के सताए हो, मेरी बड़ी
गम भरी कहानी है बाबूजी। कैसी कहानी है तुम्हारी? मेरी कहानी सुन ली जाए, उसके बाद चाहे मुझे गोली मार दो, चाहे फांसी पे चढ़ा दो, चाहे गला बताओगे तो हम लोग तुम्हें माफ कर देंगे। थोड़ा सा झूठ बोला तो तुम्हें जिंदा ही छोड़ेंगे। बाबूजी मेरी कहानी सुन ली जाए। बोलो। मैं उज्जैन नगर का रहने वाला हूँ। मेरे पिता का नाम कैलाश किसान है। कैलाश किसान के लड़के हो? मैं उनका लड़का तो नहीं, लेकिन पाल करके मुझे सेना किए, इसलिए वो मैं उन्हें पिता मानता था, वो मुझे पुत्र मानते थे। ठीक है। तो और हकीकत में पूछो तो मेरे माँ बाप दुनिया में कोई नहीं है बाबू। तुम्हारे माँ बाप कोई नहीं है? नहीं बाबू जी। खड़े हो जाओ। और कहानी कैसी है? कहानी ये है कि मेरे मरते समय मेरे पिताजी ने मुझे इतने बताए कि बेटा आज के 20-22 साल पहले मैं तुझे खेत में पड़ा पाया था। जब मैं तुझे खेत में पाया उस वक्त तुम 2-3 महीने के बच्चे थे, यानी बहुत छोटे थे। और जिसने मुझे पाला उन देवता के भी कोई औलाद नहीं थे साहब। साहब उसके बाद मैं क्या बताऊं आपसे, मेरी बड़ी गंभीर कहानी है। बोलो सही। यहाँ डरना नहीं किसी को। बोलो साहब। साहब साहब मेरे पिताजी जिसने पाया मुझे वो बता रहे थे कि बेटा मैं खेत में काम करने जा रहा था और उस वक्त तुम खेत में पड़े थे और रो रहे थे। मैं तुझे पा करके एक औलाद वाला हुआ। मुझे पाल कर उन्होंने सेना किया साहब। जब पिताजी मेरे बूढ़े हो गए, मैं जवान हुआ, तो हर पिता का फर्ज है कि अपने बच्चे को पाल कर जब जवान करते हैं तो बेटे का भी फर्ज है कि अपने माँ बाप के दुख उठाए। मैंने पिताजी से कहा, बापू अब तुम बूढ़े हो गए हो, कमा कर मैं खिलाऊंगा। मैं खेत में काम करने गया था सेठ गोपाल के यहाँ पर साहब, और सेठ गोपाल ने अपनी बेटी, उनकी एक लड़की थी जिसका नाम रेनू था, वो हम मजदूरों के लिए खेत में खाना भेजे थे कि जाकर मजदूरों को खाना खिलाओ। वो लड़की सयानी थी और वो खाना लेकर के आ रही थी कि रास्ते में जालिम सिंह एक जमींदार है उज्जैन नगर के, लड़की को अकेली पा करके उसकी इज्जत बर्बाद करने के लिए उसे छेड़खानी किए साहब। जालिम सिंह और वो शोर मचाई। जब वो शोर मचाई तो मैंने आवाज सुन करके फावड़ा लेकर आया और उस लड़की की इज्जत बचाई। अच्छा किया। तो जमींदार साहब ने क्या कहा कि आज बने बनाए मेरे काम में तुमने बिघ्न डाला हरामखोर, ये दुश्मनी तेरे लिए बहुत महंगी पड़ेगी। धमकी दे करके बाबू साहब चले गए। फिर उसके बाद क्या हुआ? लड़की ने क्या कहा कि माखन तुमने मेरी इज्जत बचाए हो, मेरी इज्जत के मालिक तुम हो, अब मैं दुनिया में अब दूसरे को मैं अपना कुछ नहीं समझूंगी, मैं तुम्हारे साथ शादी करूंगी और दूसरे के साथ मैं शादी नहीं करूंगा, ना दूसरे से प्यार करूंगी। लड़की ने ठीक कहा, तुमने मेरी इज्जत बचाए हो। ठीक कहा उसने। तो मैंने मजबूर होकर के उनके प्यार को स्वीकार किया। अच्छा किया। तो मैंने सोचा कि अगर दिल में मुझसे इनसे मुलाकात होगी, कोई बात होगी, तो लोग कहेंगे कि ये इन्हीं का मजदूर, इन्हीं का ये किसान, ये गरीब आदमी सेठ की लड़की से ऐसी बातें करता है, तो मेरे प्यार में विघ्न पड़ जाएगा, मुझे सेठ जान से मार डालेंगे। इसलिए मैंने लड़की से कहा कि मैं तुमसे इस तरीके से दिन में बात नहीं कर पाऊंगा, रात 12 बजे खलिहान में मैं तुम्हारे आऊंगा खलिहान रखाने के लिए, और तुम रात 12 बजे वहीं आओगी। यानी मुलाकात करना। उसने कहा ठीक है मैं रात 12 बजे आऊंगी। साहब मैं झूठ, ईमान ही साथ में जाएगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। तुमने गया या नहीं? फिर उसके बाद मैं खलिहान में आया रात 12 बजे। मैं जाकर रात साहब नहीं आई, कुछ लेट हो गई आने में, मैंने बिस्तर लगा करके और मैं कुछ काम से अपने घर चला गया। अच्छा। तो सोची कि बिस्तर लगा हुआ है, यही कहीं माखन होंगे, वो खाली बिस्तर पा करके और बिस्तर पर लेट गई, ऊपर से चादर तान लिया। जमींदार इतनी बातें करके गए थे कि ये दुश्मनी तुम्हारे लिए महंगी पड़ेगी, मैं ध्यान नहीं दिया उस बात पर, मेरी खोज में थे वो समझे न मालूम उन्हें कैसे मालूम हो गया कि माखन जो है शेर गोपाल के किसान की रखवाली करने खेती गया है वो साहब। वो रात में खोजते हुए आए और मैं खलिहान में
बिस्तर लगा कर गया था साहब कुछ काम से, लेकिन बिस्तर पर रेनू आई और मुझे ना पाकर अकेली लेट गई, तो वो समझे कि माखन सो रहा है। जमींदार ने बिस्तर मेरा था उस पर रेनू थी, लेकिन मैं नहीं था साहब, मैं काम से घर चला गया और रेनू को माखन समझ कर ने मुझे समझ करके गोली मार दिए जमींदार। गोली मार दिए उस लड़की को? हाँ साहब, उसके बाद खून का इल्जाम मेरे सर पे लगा। यानी खून के इल्जाम तुम्हारे सर पे लगा दिया? जमींदार ने जाकर के शेर गोपाल से क्या बोले कि तुम्हारी बेटी को माखन गोली मार करके भाग गया, और जाकर के सेठ ने कंप्लेन किया थाने में कि माखन मेरी बेटी को गोली मारा है। उधर पुलिस मेरे पीछे परेशान, इधर शेर गोपाल गुस्से में मेरे घर पहुंचे, मुझे ना पाकर के मेरे पिताजी को ही दरवाजे पर पाए और बेटी का बदला मुझसे न चुका पाए तो मेरे बाप को ही उन्होंने चाकू से मार डाला। खड़े जाओ। और पिताजी के खून का इल्जाम भी मेरे सर पे लगाया मारकर सेठ गोपाल ने, और जाकर के थाने में फिर ये कहा कि अपने बाप को भी माखन मार डाला। जमींदार की आवाज, हराम ज्यादा खून तुमने किया और झूठा इल्जाम माखन सिंह पे लगाया। रेनू और मेरे पिताजी के दोनों के खून के इल्जाम मेरे सर पे लगा है, पुलिस मेरे पीछे परेशान है, इसलिए मैं आपकी शरण में भाग कर आया था। घबराओ नहीं आखिर, यहाँ कोई पुलिस वाला नहीं आएगा, और जो भी आएगा माँ कसम वो अपनी जान गवाएगा। बोलो हम लोग तुम्हारी कौन सी मदद कर सकते हैं? मेरी दुनिया में कोई नहीं है बाबूजी, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मेरे जीवन के लिए मुझे सहारा मिलना चाहिए, मैं आपकी सेवा करूंगा, मुझे एक रोटी मिले आपके शरण में साहब, बस और माखन खड़े हो जाओ तुम। आज तक तो लोग तुम्हें केवल माखन ही कहा करते थे, लेकिन आज के बाद इस चंबल में सरदार माखन सिंह के नाम से प्रसिद्ध रहोगे। और ये लो उठाओ मां भवानी को, मिटा दो बेदर जमाने को। सरदार माखन सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद माखन सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद माखन सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद। बताओ साथियों क्या करना होगा हमें? माखन पहले चलिए गुफा में, हम लोग सरदारी सूट बनवा कर रखे, उसे धारण कीजिए, उसके बाद तो सरदार आप रहेंगे, जो चाहेंगे हम लोग वही करेंगे। जब मैं सरदार बन जाऊंगा तो मेरा कहना तुम लोग करोगे? हाँ हाँ सरदार जी, फिर तो आपकी आज्ञा का हम लोग पालन ही करेंगे। आपने मेरे साथ बहुत बड़ा एहसान किया दोस्तों, आज के बाद अब ये समाज में, इस देश में इस तरीके से अत्याचार नहीं होगा। बोलो माँ भवानी की। आप लोग मालूम कि माखन मेरा अपमान किया था और माखन की तलाश है। राजकरण सिंह मेरे गाल पर थप्पड़ मारा था और मैं कसम खाया था राजकरण सिंह एक दिन तुम्हारी इज्जत से खिलवाड़ करूंगा, हराम जादे तुम्हें सपना दिखाऊंगा। राजकरण सिंह की बेटी को मैं मुन्नी बाई के हवाले किया हूं, अब वो सयानी हो गई है, आज मैं जा रहा हूं मुन्नी बाई के पास, अपनी अमानत वापस लूंगा। राजकरण सिंह जब तक तुम्हारी इज्जत से नहीं खेलूंगा तब तक सूर्य उदय नहीं होगा, वक्त का इंतजार कीजिए, बातें बात सारी बताऊंगा अगला सीन इस ब्रेक के बाद। ये रहा ठाकुर का ऐलान।